नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और मैं हूं राहुल तिवारी। इस वक्त खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र की बीजेपी नीत सरकार ने नए परिवहन कानून संशोधन एक्ट को लागू करने से मना कर दिया है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले यह एक्ट लागू किया था और देश के दूसरे राज्यों में यह एक्ट लागू भी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस कानून को अपने राज्य में लागू करने से मना कर दिया है। क्या है नया परिवहन कानून? नया परिवहन कानून वह है जिसमें भारत सरकार ने जुर्माने को बढ़ाया है ताकि लोग यातायात के नियमों का पालन करें, लेकिन महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर राउते ने केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को एक पत्र लिखा है और इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। इससे एक दिन पहले गुजरात सरकार ने भी इस जुर्माने को आधा किया था और अपने राज्य में लोगों को थोड़ी सी राहत दी थी, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं और लोगों में ऐसे में आक्रोश का सामना लोगों के जो है महाराष्ट्र की सरकार को करना पड़ सकता है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं करने का फैसला लिया है और जनता के दबाव में सरकार इस तरह का फैसला ले रही, इस तरह की बातें भी निकल कर सामने आ रही है। तो महाराष्ट्र के मंत्री हैं दिवाकर राउते, जिन्होंने पत्र लिखा है नितिन गडकरी को, और साथ ही साथ यह खबर भी आई है कि महाराष्ट्र सरकार इस कानून को लागू नहीं कर रही है। जो नया कानून आया है उसके मुताबिक जो जुर्माने का प्रावधान है, थोड़ा सा वो बता देता हूँ आपको। यदि आप अपनी गाड़ी पर हेलमेट पहने हुए नहीं है और बिना हेलमेट की गाड़ी चला रहे हैं तो 1,000 रुपये का प्रावधान है। एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपये लगेंगे। बिना लाइसेंस के या बिना कागज़ के यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो 10,000 रुपये का प्रावधान है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर आपको 5,000 रुपये देने होंगे। इसके अलावा सीट बेल्ट के बगैर यदि आप ड्राइविंग करते हैं तो 1,000 रुपये का जुर्माना है। 2 से ज़्यादा सवारी यदि गाड़ी पर बैठी है तो 1,000 रुपये का जुर्माना है। ओवर स्पीडिंग के लिए 2,000 रुपये का जुर्माना है और मोबाइल पर बात करते हुए आप यदि चलते हैं तो 5,000 रुपये का जुर्माना है। इसी तरह से और अलग अलग प्रावधान भी नए परिवहन जो कानून है इसमें लगाए गए हैं, लेकिन ये जुर्माना ना लगे और लोगों को राहत मिले इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल इस फैसले को रोक दिया है। यह कानून महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा। तो खबर फिलहाल महाराष्ट्र से आ रही है। दो राज्य हैं, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र, दोनों में ही बीजेपी की सरकार है, लेकिन गुजरात में जुर्माना आधा है और महाराष्ट्र में जुर्माना अब नहीं लगेगा। इससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने इस कानून को लगाने से या जारी करने से मना कर दिया था क्योंकि उनके अनुसार लोगों के हक में ये फैसला नहीं था, लेकिन बीजेपी की ही सरकार ने अब उनके फैसले को लागू करने से मना किया है। देखना होगा क्या प्रभाव आते हैं इस फैसले के, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय है और ये खबर है जो हमने आप तक पहुंचाई। आप देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।